गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, वेलकम टू योर इंग्लिश लिटरेचर्स क्लास। स्टूडेंट्स, वील स्टार्ट चैप्टर नंबर 11, लिंकन एंड द बर्ड्स। क्योंकि ये चैप्टर आपके P2 सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज़ वाई वी स्टार्ट द क्लास विद दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है बच्चों, ये अब्राहम लिंकन की एक छोटी सी घटना है जो वो बर्ड्स को सेव करते हैं, उनकी काइंडनेस, उनकी मर्सी को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ ये चैप्टर उस बारे में है। विद Rampant cutting of forest and ever rising concrete building, it has become a challenge for birds to live in cities. Can you state some of these challenges? Suggest what we can do about it. तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो forest हैं उनको काट करके वहाँ पर buildings जो बनाई जाती हैं, तो ये क्या है जो forest वो होते हैं, ये जो birds हैं या फिर और भी एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत खतरा हो जाता है, क्योंकि उनका रहने की स्थान वही है, फिर वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई दी जाती हैं, तो उनके लिए वहाँ पर क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं। अब है, वन डे इन स्प्रिंग 4 मैन वर राइडिंग ऑन हॉर्सबैक अलोंग अ कंट्री रोड। स्प्रिंग का सीजन और एक दिन 4 लोग जो हैं घोड़े की कमर पर बैठकर एक कंट्री की तरफ जा रहे हैं। दीज मैन वर लॉयर्स, ये जो लोग थे ये कौन थे, वकील थे। दे वर गोइंग टू द नेक्स्ट टाउन टू द कोर्ट। देयर हैड बीन अ रेड एंड द ग्राउंड वॉज वेरी सॉफ्ट। ये कौन थे, ये चारों लोग कौन थे, वकील थे, लॉयर्स मीन्स वकील। तो ये कहाँ जा रहे थे, ये अगले टाउन की तरफ जा रहे थे, वहाँ उनका कोर्ट था, वकील जो होते हैं कोर्ट में काम करते हैं। देयर हैड बीन अ रेन, तो वहाँ पर बारिश हुई थी और वहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, जो ग्राउंड थी ना बहुत सॉफ्ट हो गई थी। वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट। पानी जो था पेड़ों से टपक रहा था। अक्सर आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो कई बार पेड़ों की जो लीव्स पे या उनकी ब्रांचेस पे जो पानी जमा हो जाता है वो ड्रिप यानी कि एक एक ड्रॉप करके टपकता है, उसको बोलते हैं ड्रिपिंग। तो पानी टपक रहा था और जो घास थी वो गीली हो गई थी। द फोर लॉयर्स रोड अलोंग वन बिहाइंड एनदर, और चारों जो थे एक दूसरे के पीछे थे। ऑन द नैरो पाथवे जो था यानी कि रास्ता जो था वो संकरा था, छोटा था, तो एक दूसरे के पीछे चल रहे थे वो सभी। द मड ऑन ईच साइड वॉज डीप। मड मतलब कि जो कीचड़ हो गई थी बारिश की वजह से जंगलों में, क्योंकि सड़कें तो होती नहीं है वहां पर, जो कच्ची जमीन थी वहां पर वो उसने कीचड़ का रूप ले लिया था बारिश के बाद, और दोनों साइड में जो थी वो गहरी हो गई थी। दे रोड स्लोली एंड टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड वॉज वेरी जॉली। और वो आपस में क्या थे, एक दूसरे से बातें करते हुए, हंसते हुए, बहुत ही खुशी तरीके से जा रहे थे। एज दे वर पासिंग थ्रू अ ग्रोव ऑफ स्मॉल ट्रीज दे हियर्ड अ ग्रेट फ्लटरिंग ओवर देयर हेड्स एंड अ फीबल चर्पिंग इन द ग्रास बाय द रोड साइड। और जैसे ही वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा ग्रोव ऑफ स्मॉल ट्रीज। ग्रोव का मतलब होता है बच्चों एक तरीके से ग्रुप ऑफ ट्रीज, लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि एक ही तरीके के पेड़ होते हैं सारे, है ना, जहाँ पर एक ही काइंड के सारे प्लांट्स हों तो वो ग्रुप कहलाता है वो एरिया। दे हियर्ड अ ग्रेट फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मीन्स जब कोई बचाने के लिए या तड़फड़ाता है या फड़फड़ाना जिसको बोलें, ऐसी उन्होंने एक आवाज सुनी। और एंड अ फीबल चर्पिंग इन द ग्रास बाय द रोड साइड, और ऐसा दर्द भरी उन्होंने चर्पिंग मतलब चिड़ियों की जो आवाज होती है उन्होंने सुनी, जैसे कोई पेन में है। तो उन्होंने एक दूसरे को रुकने का इशारा किया, यानी कि केम अ साउंड फ्रॉम द लीफी ब्रांचेस अबव देम, यानी कि जब उन्होंने उनको आवाज इस तरीके से जो आवाज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, लीफी ब्रांचेस अबव देम, वहां पर जो लीफी ब्रांचेस थी बहुत सारी लीव्स थी ब्रांचेस में, तो हैवी थी ब्रांच काफी, तो वहां से वो आवाज आ रही थी। चीप 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 केम अ साउंड फ्रॉम द वेट ग्रास, और एक तो ऊपर से आवाज आ रही थी है ना ब्रांच पे से, और नीचे उन्होंने गीली घास में भी एक आवाज सुनी। आई वॉन्डर वॉट कुड बी द मैटर हियर सेड द फर्स्ट लॉयर हुज नेम वॉज मिस्टर स्पीड। तो उसने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ क्या हो सकता है, पहले जो लॉयर था उसने ऐसा बोला जिसका नाम क्या था, मिस्टर स्पीड था। ओ इट्स ओनली सम ओल्ड रॉबिन्स आंसर द सेकेंड लॉयर, और सेकेंड लॉयर ने क्या कहा कि ये हो सकता है कोई पुराने रॉबिन्स हों। द स्टॉर्म हैज ब्लोन आंसर द सेकेंड लॉयर हुज नेम वॉज मिस्टर हार्डन। हार्डन ने कहा कि ओल्ड रॉबिन्स हो सकते हैं। द स्टॉर्म हैज ब्लोन टू ऑफ द लिटिल वंस आउट द नेस्ट,
यानी कि स्ट्रोम जो था ना, तूफान आया था बारिश की वजह से, तो क्या हुआ था कि जो छोटे बच्चे थे वो एक उसमें से झो उसमें से किसमें से दो दो छोटे बच्चे घोंसले से नीचे गिर गए थे क्योंकि तूफान आया था। दे आर टू यंग टू फ्लाई एंड द मदर बर्ड इज मेकिंग अ ग्रेट फस अबाउट इट, क्योंकि वो बहुत छोटे थे और वो उड़ नहीं सकते थे, इसलिए जो मदर थी ना, उनकी मदर बर्ड थी, वो गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी बचाने के लिए। व्हाट अ पिटी, कितनी दया की बात है। दे लाई डाउन देयर इन द ग्रास, कि वो बेचारे वहाँ घास में पड़े, दो बर्ड के दो बच्चे नीचे घास में पड़े हुए थे। सेड द थर्ड लॉयर, तीसरे लॉयर ने कहा, हुज नेम आई फॉरगेट, उसका नाम मुझे याद नहीं। द फोर्थ लॉयर हियर्ड द होल कॉन्वर्सेशन इंटेंटली एंड लुक्ड वेरी कंसर्न एंड सोरोफुल। जो फोर्थ लॉयर था ना, वो उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और बहुत ही कंसर्न एंड सोरोफुल, यानी कि वो दुखी था, उसको चिंता भी हो रही थी। ओ वेल दे आर नथिंग बट बर्ड्स, कि वो कोई नहीं लेकिन बर्ड्स हैं। सैड मिस्टर हार्डिन, वाई शुड बी बॉदर, मिस्टर हार्डिन ने कहा कि बर्ड ही तो है, हमें क्यों चिंता करनी। ठीक है, तो वाई शुड बी बॉदर, कि हम क्यों परेशान हो। यस वाई शुड बी, आस्क मिस्टर स्पीड, स्पीड ने कहा कि हाँ हमें क्यों परेशान होना है। द थ्री मैन एज दे पास लुक डाउन एंड सॉ द लिटिल बर्ड्स फ्लटरिंग इन द कोल्ड वेट ग्रास। दे सॉ द मदर रॉबिन फ्लाइंग अबाउट द क्राइंग टू हर मेट। और जो तीनों तीनों आदमी थे वो तो आगे निकल गए, उन्होंने नीचे देखा और जो ठंड में बच्चे फड़फड़ा रहे थे बर्ड्स को, उनको देख के वो आगे निकल गए, और जो मदर रॉबिन थी वो ऊपर फ्लाई कर रही थी, अपने साथी को ढूंढ रही थी। देन दे रोड ऑन टॉकिंग एंड लाफिंग एज बिफोर। इन अ फ्यू मिनट्स दे हैड फॉरगेटन अबाउट द बर्ड्स। और जैसे ही वो आगे चले, बातें करते हुए हंसते हुए जैसे वो पहले कर रहे थे, तो वो उन बर्ड्स के बारे में भूल ही गए। बट द फोर्थ लॉयर हुज नेम वॉज एब्राहम लिंकन स्टॉप्ड। ही गॉट फ्रॉम हिज हॉर्स एंड वेरी जेंटली लुक द लिटिल वंस इन बिग वॉर्म हैंड्स। लेकिन जो चौथा लॉयर था, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन, वो वहाँ रुका, उसने क्या किया, अपने घोड़े से उतरा और बहुत प्यार से उन बर्ड्स को अपने हाथों में लिया, अपनी गर्म हथेलियों में लिया। दे डिड नॉट सीम फ्राइनेटेड, यानी कि अब वो डरे हुए नहीं दिख रहे थे। दे चर्प सॉफ्टली एफ दिस दे न्यू दे वर सेफ, और ऐसे चहचहा रहे थे वो जैसे कि वो सेफ हों। नेवर माइंड माई लिटिल फेलो, सेट मिस्टर लिंकन, आई विल पुट यू इन योर ओन कोजी लिटिल बेड। और उन्होंने कहा अब्राहम लिंकन ने कि आप जो है परेशान मत होइए मेरे छोटे साथियों, मैं आपको आपका जो कोजी लिटिल बेड है ना, आरामदायक जो बेड है आपका, वहां पर आपको मैं उसमें आपको रख दूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज ये चैप्टर यहीं हम इसको वीडियो को बंद करते हैं, आगे की चैप्टर में जो बचा हुआ पार्ट है ना वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको स्टोरी को जितना मैंने बोला है उतना अच्छे से रीड करेंगे, अंडरस्टैंड।